बोलो यीशु मसीह की जय। में प्रोफेट सुमन दीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष रहें प्रभु के नाम से। अगर आप भी अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं तो हर बुधवार शाम को 8 बजे लाइव जरूर जुड़ा करें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज का जो हमारा वचन है वो है कि आप बीमारी से ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो इस प्रार्थना को सुनें। क्या आपके जीवन में समस्या है? कई बार मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मैं बहुत से लोगों के घर में प्रार्थना करने आता हूं। कुछ के घरों में बोझ होता है, कई के घरों में संकट होता है और कई के घर में परेशानियां होती हैं, कई के घर में चिंता होती है, बहुत सी अलग अलग तरह की बंधन। कोई कर्जे से परेशान है, किसी को घर नहीं मिल रहा उससे परेशान है, किसी को संतान नहीं हो रही उससे परेशान है, बहुत अलग अलग परेशानी है। लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जिस घर में रोग ही नहीं खत्म होते हैं। मैं लोगों को देख रहा हूं, कोई अपने नाम किसी पंडित लगाते हैं, पंडित ऐसे, और निश्चय आज आप चंगाई पाएंगे। कुछ लोगों के जीवन में क्या होता है कि ये बीमारी समस्या बन जाती है। जिस तरह मैंने बोला कि इसको कर्जे की टेंशन है, किसको जॉब की टेंशन है, किसको आने वाले कल की टेंशन है, किसी को गवर्नमेंट जॉब की टेंशन है, किसको प्रमोशन की टेंशन है, अलग अलग तरह की डिपार्टमेंट। लेकिन कुछ के घरों में अब कल परसों मुझे प्रार्थना करवा रहे थे, वो कह रहे कि छोटा सा रोग था, बढ़ता बढ़ता आज हमारा परिवार मंच पर है। घरों में ऐसा होता है कि ये बीमारी समस्या बन जाती है, ठीक नहीं हो पाते हैं, इलाज चलता है, ठीक नहीं हो पाते हैं, फिर इलाज चलता है, ठीक नहीं हो पाते हैं, ये डॉक्टर छोड़ते हैं, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, दूसरा छोड़ते हैं, तीसरे पास जाते हैं, तीसरा छोड़ते हैं, चौथे पास जाते हैं, फिर कोई सियाणा आदमी हमें बताता है ऐसा कीजिए, आप उस चंडीगढ़ डॉक्टर पास ले जाए, वो चंडीगढ़ ले जाते हैं, फिर कोई सियाणा आदमी आता है वो कहता है कि आप इन्हें लुधियाना में ले जाएं, वो लुधियाना ले जाते हैं, फिर कुछ ज्ञानी लोग और आ जाते हैं वो करके बठिंडे ले जाएं, बठिंडा ले, मतलब अलग अलग जगह बेचारे वो घूमते रहते हैं। वो क्यों घूमते हैं आपको पता है? उनमें एक आस होती है, उनमें एक उम्मीद होती है कि ये बच जाए, मेरे परिवार का सदस्य है ये बच जाए, मेरे परिवार का सदस्य है ये बच जाए। वो बेचारे एक आस में, एक उम्मीद में लगे रहते हैं कि मेरा परिवार में ये मेरा परिवार बच जाए। लेकिन ये एक समस्या बन जाती है उनके घरों के अंदर, वो परेशान हो जाते हैं कि अब हम करें तो करें क्या, इतनी परेशानी, इतने संकट उनको पर आ जाते हैं। जितना पैसा कमाते हैं, पति कमा के लेकर आया, पत्नी कमा के लेकर आई है, बच्चे कमा के लाते हैं, बीमारी पे बेचारे लोग सोचते हैं कि चलो ऐसा करते हैं घर लेते हैं, उसके लिए पैसा नहीं लेकिन लोन ले लेते हैं, सोचते हैं घर में साधन ही है इसके लिए हम लोन ले लेते हैं। लेकिन ये लोग जो बेचारे होते हैं जिनके ऊपर बीमारी की समस्या होती है, इनके पास दवाई के लिए पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर अपना घर का सोना बेचना शुरू कर देते हैं, फिर घर के साधन बेचने धीरे धीरे शुरू कर देते हैं, हार के अपना घर बेच देते हैं, फिर ये लोन लेते हैं। और लोन किस लिए ले रहे हैं? सफलता के लिए नहीं ले रहे लोन, ये ले रहे हैं कि काश हमारा जीवन बच जाए। मैं ऐसे हजारों लोगों से मिला हूँ जिनकी ऊपर बीमारी समस्या बन गई, वो बीमारी उनका घर खा गई, बीमारी उनका परिवार खा गई, बीमारी ने उन्हें अलग कर दिया है। घर वाले कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि इससे अच्छा ही मर ही जाए, घर वाले परेशान हो गए। जिस तरह अय्यूब की पत्नी क्या कह रही थी कि इससे अच्छा तो मर ही जा, लेकिन अय्यूब ने बुड़बड़ाए नहीं। हमारे जीवन में मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ, बहुत सी जो ऐसे रोग में उनको पर समस्या आ गई है कि अब हम करें क्या। जब बीमारी समस्या बन जाती है तब हर एक रास्ता बंद हो जाता है, डॉक्टर का रास्ता बंद हो जाता है, रिश्तेदारों के रास्ते बंद हो जाते हैं, मित्रों के रास्ते बंद हो जाते हैं, यहाँ तक कि घर के मेंबरों के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं कि अब करें तो करें क्या, इससे अच्छा क्या है, इसको मौत आ जाए, अब ये नहीं बच सकती, ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन घबराए नहीं, ये प्रार्थना एक पावरफुल प्रार्थना है, एक शक्तिशाली प्रार्थना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने वाले हैं।
अगर आपके भाई बंधुओं में, मित्रों में, परिवारों में अगर आप खुद ऐसे हैं कि आपके ऊपर बीमारी वो ठीक नहीं हो पा रही है बल्कि वो एक समस्या बन गई है, क्या आपकी बीमारी भी समस्या बन गई है? तो ये प्रार्थना आपके लिए है। अपने सिर पे हाथ रखें, मैं प्रार्थना करने वाला हूं और आप परमेश्वर के चमत्कार को देखोगे। मैं प्रॉफिट सुमंत प्रार्थना करने वाला हूं और आप परमेश्वर के चमत्कार को देखने वाले हैं। आमीन। ओ रबसलख रवण रबसी लिखी रिवी नम उदया करने वाले परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, रबसलख रवण मेरे पिता परमेश्वर, रबसी लिखी रिवी नम ए रबसलख रवण उदया करने वाले परमेश्वर, प्रभु जी आपके नाम से इनकी जो बीमारियां इनका शरीर से नहीं निकल रही हैं वो बीमारियां इनको पर बड़ी समस्या बन चुकी है मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके नाम से, 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 आपके नाम से इन बीमारियों को मैं डांट हूं, इन समस्याओं को मैं डांटता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अनुग्रहकारी परमेश्वर आपका अनुग्रह इन पर रहे, ये जो बार बार बीमारी इनके अंदर आ जाती हैं, ये बार बार बीमारी इनके अंदर आ जाती हैं मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके नाम से ये बीमारी जो ठीक नहीं हो पा रही है आज पिता परमेश्वर यह रोग ठीक होने पाए, इनका शरीरों से बीमारी निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, रोग निकलने पाए। चंगा करने वाले परमेश्वर अपने दया वाले हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता, आपके नाम से मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी यह बीमारी इन शरीर का शड़े और निकले। अनुग्रहकारी परमेश्वर यह रोग इनका शरीर का शड़े और निकले, ये बीमारियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनका शरीर का शड़ और निकल। चंगा करने वाले परमेश्वर अपने दया वाले हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता, आपके नाम से ये बीमारियां बाहर भागे, शरीर में से निकलने पाए, यह रोग इनका शरीर का शड़ और निकल। चंगा करने वाले परमेश्वर इनकी कोई भी बीमारी है मेरे पिता जिन पर इन्होंने हाथ रखा है, गांठे हैं, कैंसर हैं, ट्यूमर हैं, पथरी है, कुछ भी बीमारियां बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बीमारियां मैं लोगों को देख रहा हूँ, एलर्जी, हाथ उनका वाइट वाइट हो रखी है, हाथों पर गांठे होती हैं, तीन बार गांठ गायब हो चुकी है, चौथी बार फिर होगी है, कमर में गांठे देख रहा हूँ, आपके कमर में प्रॉब्लम देख रहा हूँ मैं, लेकिन आज पिता परमेश्वर आपको आजाद करने वाले हैं। चेस्ट के ऊपर मैं देख रहा हूँ गांठे, उनके ऊपर पेन होता आपके, लेकिन आज अनुग्रहकारी परमेश्वर आपके नाम से, आपके नाम से, आपके नाम से, आपके नाम से, आपके नाम से हर एक रोग आपके शरीर से निकल रहा है, आपके अंदर से हर एक रोग निकल रहे हैं, आपके अंदर से, आपके शरीरों से हर एक रोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल रहा है। अनुग्रहकारी परमेश्वर अपने दया वाले हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता, आपके नाम से आज मैं प्रॉफिट सुमन ये प्रार्थना करता हूँ, इनका कोई भी रोग था आपके पास नाना प्रकार के लोगों को लेकर, इन्हें अलग अलग तरह की बीमारियां थी, आपने उन्हें चंगा किया मेरे पिता, और आज वही अधिकार आपने हमें दिया है, उसी अधिकार से इनका पर कोई भी रोग, कोई भी बीमारी है आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इनके जीवन से, इनके शरीर से बाहर निकलो और चमत्कार होने पाए इनके जीवन में, इन्हें ब्लेस कर और आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अपनी गवाही देना ना भूलें क्योंकि परमेश्वर ने अभी से कार्य शुरू कर दिया है, इन तीन दिनों में बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होगा और आप आशीष दोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।